नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस प्रकार से है, तो आप देखिए इस तरह से मैंने अपने डिज़ाइन को यहाँ पे छाप लिया है। और फिर यहाँ से देखिए हम अपने नीडल को यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा था। यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने डिज़ाइन को बना लेना यहाँ से यहाँ। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा वैसे वैसे हमें जाना है। और इसके बाद अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है। और यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा। तो हमें बस इस बात का ध्यान देना है कि जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा वैसे वैसे हमें जाना है। इस तरह से देखिए हर जगह हम ग्राफ के पास हल्का सा कपड़ा इस तरह से पकड़ लेंगे। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें इस तरह से इसके नीचे से जाना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके नीचे से हमें जाना है। यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और फिर यहाँ पे आएंगे तो बस इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने पूरे ग्राफ को बना लेना है। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से जो मेरा ये थ्रेड होगा इसके नीचे से हमें अपने नीडल को लेकर आना है। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो बस इसी तरह से हमें ये पहला स्टेप कर लेना है। देखिए बस हमें इस बात का ध्यान देना है कि जब मेरा थ्रेड इस तरह से हो तो हमें यहाँ पे इसके नीचे से अपने नीडल को निकालना है। और फिर देखिए अब हम यहाँ आ जाएंगे क्योंकि मेरा ये डिज़ाइन अब यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हल्का कपड़ा पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे इसके नीचे से और इसके ऊपर से आना है। फिर यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है हमें। और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से हो जाए धागा तो हमें उसके नीचे से जाना है। बस इसी बात का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। यहाँ
यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हम एक एक करके बनाते जाना है। ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, इसे बनाने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है। इसे आप बॉर्डर के रूप में बना सकते हैं और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, और इसे बनाना भी आसान है। और यहाँ से इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा यहाँ पकड़ लेना है, फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए तीन ट्राइंगल बने हुए हैं, तो यहाँ पर हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें इसे बना लेना है। बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें बनाते जाना है। यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ से फिर हमें यहाँ पे आना है और फिर यहाँ से यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम यहाँ पे पकड़ेंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें यहाँ तक बनाते जाना है जहाँ तक ये बन जाएगा आसानी से, बस इसी स्टेप को फॉलो करना है। देखिए मैंने इसी तरीके से देखे यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लिया। अब मेरा यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया, इस तरह से हमें यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से हमें अपने नीडल को निकालते हुए हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ तक का ग्राफ कंप्लीट है। अभी भी मेरा बीच में एक देखिए इस तरह से ये लाइनिंग बचा हुआ है, तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे निकाल लिया है, क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ है। तो अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें इसके ऊपर से आना है यहाँ पे, और इस तरह से देखिए यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और हल्का सा कपड़ा पकड़ने के बाद अब हम अपने नीडल को इसके नीचे से निकालेंगे और यहाँ से यहाँ इस तरह से हमें आना है। बस इसी तरह से जैसा कि हमने पहला स्टिच किया था, हमें दूसरे स्टिच में भी बस इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे हमें आना है। तो अब हम यहाँ से इसे इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए जो ये मेरा ग्राफ है, यहाँ पर हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर ऊपर में आएँगे, तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ पर आएँगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, बस हमें अल्टरनेट करना है। यहाँ पे मैंने ऊपर से तो यहाँ पे नीचे से धागा निकाला है, इस तरह से देखिए बस इसी तरह से हम करते जाएंगे। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ तक किया है, इसी तरीके से हमें इसके चारों तरफ कर लेना है। देखिए मेरा यहाँ पे दूसरा स्टेप कंप्लीट ही होने वाला। तो इस तरह से हमें इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को इसके नीचे से निकालते हुए देखिए यहाँ पे इस तरह से हम नीडल को नीचे कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में क्या करना है। कि इस तरह से जो ये मेरा क्रॉस है, तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस क्रॉस के पास निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूसरे कलर का धागा लिया है, आप चाहे तो इसे सेम कलर से बना सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, इस तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और अब मेरा ये डिज़ाइन सेमी सर्कल में बनेगा, इस तरह से देखिए। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे तो ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें इस तरह से उठा लेना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। बस इसी तरह से हमें देखिए एक बार इस तरह से
छोटे वाले क्रॉस के बाद ये पहला वाला धागा उठाना है, फिर यहाँ पे इस तरह से बड़े वाले क्रॉस में आना है, और फिर यहाँ से इसी तरह से देखिए हमें छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालते हुए और ये धागा फिर बड़े वाले क्रॉस में आएंगे, और फिर यहाँ से इस तरह से इसके बीच से अपने थ्रेड को निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर इस तरह से देखिए। तो बस इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ करते जाना है। बस एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालना है, देखिए इस तरह से एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से, और फिर ये जो मेरा पहला वाला थ्रेड है इसे हमें यहाँ पे उठा लेना है, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर इसके बीच से निकालेंगे, फिर पहला वाला थ्रेड है इसे हमें यहाँ पे उठाना है, और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। तो अब यहाँ पे इस तरह से देखिए इस बॉक्स में चार थ्रेड हो गया, तो यहाँ पहला और तीसरा हम इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेंगे। अब यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर हमें इस तरह से इसके ऊपर में आ जाना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हम पहले छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर ये पहला वाला धागा हमें यहाँ पर उठा लेना है, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, और इस तरह से इसके बीच से हम निकाल लेंगे। फिर यहाँ भी इसी तरह से चार धागा हो गया है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है, पहला और थर्ड उठाएंगे और फिर यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखें मैंने ये पहला वाला और ये जो मेरा ये तीसरा है इसे मैंने इस तरह से नीडल पर उठा लिया है, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो इस तरह से देखिए इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे चार धागा हो, जब भी चार धागा हो जाए तो इस तरह पहला और तीसरा आपको अपने नीडल पे उठा लेना है, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए ये पहला वाला धागा हम उठा लेंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से आपको सेमी सर्कल बनाते हुए इस डिज़ाइन को बना लेना है। बस जैसे जैसे आपका ये ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा सेमी सर्कल यहाँ पे आ रहा तब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में तीन छोटे छोटे क्रॉस हैं, यानी कि हमें एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। सबसे मेन पहला और दूसरा स्टेप होता है, जब आपका पहला और दूसरा स्टेप बन जाता है तो आपको तीसरा और चौथा बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। बस इस तरह से जब इस तरह से चार धागा हो जाए तो हमें पहला और तीसरा उठा लेना है, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, और बस यहाँ से हमें यहाँ आना है। इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए आपको अपना डिज़ाइन बनाते जाना है, इस तरह से क्रॉस के बीच से बस अपने नीडल को निकालते जाना है, और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें सेमी सर्कल बनाते हुए अपने डिज़ाइन को बना लेना। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एक बार बड़े वाले क्रॉस से, फिर एक छोटे वाले क्रॉस से आएंगे, फिर ये पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है, और फिर इसके बाद देखिए यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे। तो बस इसी तरह से हम अपने डिज़ाइन को बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया। इस तरह से देखिए अब हम यहाँ पे तीन छोटे छोटे क्रॉस है, तो हम एक एक करके सब क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे, और फिर ये पहला वाला धागा उठा लेंगे, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से पहला वाला धागा उठाएंगे, और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए तीसरे वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से ये चार धागा हो गया है, तो इस तरह से फिर से हमें यहाँ पे इसी तरह से अल्टरनेट कर लेना है, और यहाँ से देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ बन गया है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से अपने नीडल को नीचे कर लेना है, तब हम यहाँ से
अपने नीडल को यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ये जो मेरा क्रॉस है यहाँ पे इस तरह से, और फिर हम यहाँ से इस तरह से देखिए ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ, तो सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने पहले किया था इसी तरीके से हमें छोटे वाले क्रॉस में निकाल लेना। फिर यहाँ पे चार थ्रेड हो गया है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखिए अल्टरनेट करना, पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे, फिर यहाँ से इस क्रॉस में आएंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे इसी तरह से हमें निकालते हुए अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये तीन छोटे छोटे क्रॉस है, तो हम एक एक करके इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे। तो बस इसी तरीके से हम यहाँ पे अपना चौथा स्टेप भी कर लेंगे। देखिए दूसरे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर यहाँ पे तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे और फिर यहाँ पे चार थ्रेड हो गया है, तो इसी तरह से यहाँ पे अल्टरनेट कर लेंगे, पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को उठाना, यहाँ भी इसी तरह से चार धागा हो गया है तो हमें अल्टरनेट कर लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब चार धागा हो जाए तो हमें अल्टरनेट करना और सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें अपना ये डिज़ाइन बना लेना है। ये पूरा अंदर से बन जाएगा यहाँ तक। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पे चौथा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बाद निकालने के बाद हम इस तरह से यहाँ चार थ्रेड है तो पहला और तीसरा उठा लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से पहला और तीसरा उठाते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लेंगे जहाँ पे मैंने तीसरे स्टेप चौथे स्टेप में निकाला था। इस तरह से देखिए तो यहाँ पे मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसे बनाना तो आसान ही था। आप इसे बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो इसके बीच में स्टोन शीशा कुछ भी आप अपने पसंद का यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।